Hey guys, welcome back to my channel. It's Alicia and thank you for all your prayers. I am again back in action. Like after such a long day, like I am going to shoot this thing which you guys were requesting from such a long time. Like jaise birthday complete hua, COVID ho gaya. And then I was not able to like, you know, shoot and do this thing. And I was also trying to see because bahut se gifts aise the na. I mean, yeah. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अनबॉक्सिंग द गिफ्ट जो आप थंबनेल देखे समझ चुके हो सो या बहुत से जो गिफ्ट थे ना इवन आई वॉज डाइंग टू सी कुछ तो दिख गए थे कुछ आई थिंक पैकेजिंग में नहीं थे एंड एक दो चीज़ें जो मुझे सरप्राइजिंगली आई उनको मैंने ओपन करके देखा सो आई एम सॉरी फॉर दैट सो या ऑब्वियसली यार कोविड के टाइम पर इतना बोर हो रही थी क्या ही करती जब ठीक होने लग गई थी तो एक दो चीज़ें मैंने खोल के देखी आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट या आज मैं इन सारी चीज़ों का अनबॉक्सिंग करूँगी एंड हर वीडियो हर गिफ्ट को मैं अपने तरफ से क्वालिटी टाइम देना चाहूँगी एंड डिस्क्लेमर देती हूँ दूसरा कि आई विल नॉट बी शोइंग यू नॉट बी टेलिंग यू द नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट कि मतलब एक भी चीज़ का कि किसने दिया बिकॉज या इट्स अ गिफ्ट एंड आई वैल्यू ऑल द गिफ्ट्स आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन की सो दैट की कोई कंपेरिजन हो कि किसने क्या दिया कितने का दिया और क्यों दिया मतलब आई जस्ट डोंट वॉन्ट एनी कंपेरिजन सो आई विल नॉट बी यू नो टेलिंग यू द नेम बट या आई विल बी डूइंग द अनबॉक्सिंग बिफोर यू एंड आई विल बी शेयरिंग माई entire experience throughout this unboxing video and yeah without any further ado wait before we get started do not forget to subscribe to my youtube channel yahan niche mein kahin pe dekho koi lal lal rang ka dikh raha hai kuch button jaisa kuch dikh raha hoga lal lal jaisa usko subscribe karo abhi ke abhi like 60% log aakar ke mere videos dekh rahe hain they are not even subscribed to my channel kyun bhai kya hum mein kya kami hai bhai kyun nahi karte ho subscribe free hai नोटिफिकेशन मिलेंगे आते हो सर्च करते हो आते हो अभी तो वीडियो डालूंगी तो यू विल बी गेटिंग द पर्टिकुलर नोटिफिकेशन चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज 1000 पहुंचा दो 60% लोगों तुम लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे जस्ट इन केस तुम लोग सरप्राइज सब्सक्राइब कर दोगे यार मेरे 1000 हो जाएगा मैं लाइव आ सकती हूँ यहाँ पे प्लीज कर दो यार प्लीज एनीवेज बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड ब्ला 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 लेट्स गेट स्टार्टेड सो या जो सबसे पहला गिफ्ट है वो मैं शुरुआत करूँगी आई डोंट नो व्हाट मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं शुरुआत करती हूँ ये छोटू से क्यूटू से गिफ्ट से वाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस बिकॉज आई हैव सीन दिस ये मतलब दो तीन ऐसे गिफ्ट्स थे जो मैंने खोल के देखे तो दिन में से एक आता है ये एंड आई गॉट दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाफिंग बुद्धा एंड कैन यू सी इट्स अ पेन होल्डर बट इट हैज़ बुद्धा इन इट कैन यू सी इट्स सो ब्यूटिफुल सो आई गॉट दिस एंड आई द मोमेंट आई सॉ दिस आई फेल इन लव विद दिस बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल एंड मैं इसकी आपको खास बात बताती हूँ कि ये जो बुद्धा है मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है ये वो स्टूडेंट है जो कि मेरे टीचिंग करियर में मैंने जब पहली बार टीचिंग शुरू करी थी तो मैं अपने घर में होम ट्यूशंस दिया करती थी व्हेन आई वाज नॉट अ स्कूल टीचर एंड ये जो स्टूडेंट्स हैं दे स्टिल रिमेंबर माय बर्थडे नो मैटर मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहूँ मेरे बर्थडे पे मैं घर पर रहूँ ना रहूँ इनका ये जो गिफ्ट होता है ये हमेशा मेरे घर पर पहुँचता है सो थैंक यू डियर ऑल फॉर दिस एंड आई लव डिट एंड ये लाफिंग बुद्धा जल्दी से ही आपको मेरे किसी बैकग्राउंड में नज़र आना शुरू हो जाएगा सो थैंक यू फॉर दिस Now moving on to the next side, the second thing which I got was अगेन मैं सारे पहले आपको सारे ओपनड प्रोडक्ट्स ही दिखाऊंगी ये मुझे इस तरीके से ही मिला इसमें कोई पैकिंग नहीं थी ये एक पर्स ये एक कैरी बैग के अंदर था और दिस इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माय फ्रेंड आई एम सॉरी मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी किसने कौन सा गिफ्ट दिया बिकॉज एवरी गिफ्ट हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू बी जजमेंटल रिगार्डिंग एनी गिफ्ट सो मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी बट आई विल बी शोइंग यू कि हाँ मुझे मतलब कैसे कहाँ मिला ये मेरे बर्थडे पर मेरी जो फ्रेंड आई हुई थी पार्टी में वन ऑफ दोज उसमें से किसी एक ने मुझे ये गिफ्ट किया है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्लच इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्लच एंड इट इज फ्रॉम बटरफ्लाई वो जो मेरी फ्रेंड है उसे और मुझे हम दोनों को ही बटरफ्लाई का बैग्स बहुत पसंद है सो शी गिफ्टेड मी दिस वेरी ब्यूटिफुल येलो कलर का क्लच एंड आई एम इन लव विद दिस बिकॉज इट्स रियली स्लीक एंड इट्स ऑफ अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी एंड बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्लस इसके साथ में जो मुझे उसने दूसरी चीज़ दी वो था ये सेलिब्रेशन चॉकलेट सो या ये दोनों चीज़ें आपको बहुत जल्दी ये पर्स मेरे थ्रू यूज़ होती हुई दिख जाएंगी कहीं ना कहीं एंड जो मेरा चॉकलेट है वो तो मैं यू नो खा जाऊंगी सो या सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस विच आई गॉट सो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट एक्चुअली द स्पेशलिटी ऑफ दिस गिफ्ट इज मैंने कुछ गिफ्ट को इसलिए खोल के देख लिया बिकॉज ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब्सक्राइबर मेरे एड्रेस को बहुत अच्छे से जानता होगा बिकॉज मैक्सिमम लोग अभी पूर्णिया के हैं और मुझे जानते हैं, तो यू नो वेयर आई लिव. एंड प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ये गिफ्ट जो है ये एक एज अ सरप्राइज मिला, ये मेरे घर पे कुरियर के थ्रू आया है एंड कुरियर पे कोई डिटेल्स नहीं था, देयर वाज जस्ट माय डिटेल्स एंड लाइक आई थिंक ये अमेजोन से किसी एक ब्रांड से आया था एंड इट वॉज अ गिफ्ट. तो मैंने जब फ्लिपकार्ट से जब डिलीवरी हुई तो इट वॉज अ पेड ऑर्डर, तो आई वॉज वंडरिंग किसने भेजा, बट इट इज़ फ्रॉम अ सब्सक्राइबर, आई डोंट नो कौन हो. जो भी हो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप अपना बताओ. एंड आई थिंक डिलीवरी की वजह से ये नीचे से टूट गया है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कृष्णा, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कान्हा जी, इफ यू कैन सी सी इट्स अ ब्यूटिफुल कन्हैया एंड आई रिसीव्ड इट, आई वॉज सो हैप्पी टू सी इट, सच अ क्यूट थिंग. नो इनका बस ये जो है ना ये डिस्पैच के टाइम पे आई थिंक टूट गया है और मुझे नहीं पता हु इज़ दिस पर्सन, बट हु एवर यू आर प्लीज़ कमेंट में अपना नाम बताना बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट. आई वॉज सो हैप्पी टू सी बिकॉज मेरी बर्थडे जिस दिन हुई थी ना वो जन्माष्टमी के लाइक कृष्ण पक्ष के ही टाइम पर हुई है, उसी के आगे पीछे जब मेरी बर्थ हुई थी लाइक 12th of September. सो दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल कान्हा. So yeah, moving on to the I think fourth one. So the fourth product is actually it's a cloth. ये इसी में कैरी बैग में ही था. So I have seen it already. So it's in this. It is from Reliance. ये भी मुझे उस दिन बर्थडे पार्टी में जो लगाए हुए थे उनमें से एक बहुत ही क्यूट मैम ने दिया है. So thank you for this. These are two shirts. These are very beautiful shirts. If you really want, आपको मैं दिखाती हूँ मैं खोल करके. इन्हें मैं एक्चुअली एक्सचेंज कराऊंगी बिकॉज ऑफ कोविड, अभी तक मैं गई नहीं हूँ. आई वॉज नॉट इवन टचिंग इट बिकॉज मुझे कोविड हो गया था, तो अभी कोविड ठीक हो गया है तो आई विल बी जल्दी, मतलब जिस दिन भी मैं घर से निकलती हूँ मैं ये ले करके जाऊँगी रिलायंस एंड देन आई विल गेट इट एक्सचेंज एंड पूरा वेल सैनिटाइज करके आई विल बी डूइंग दिस. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉप, मुझे थोड़ा सा टाइट हुआ है तो आई विल बी एक्सचेंजिंग द सेम प्रोडक्ट, बस मुझे मिल जाए. इट्स दिस, यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. So I will be going and exchanging this one out over there and क्योंकि 30 days का वहाँ पे exchange का trial होता है, तो I will be getting this exchange and तब मैं जो दूसरा लेके आऊँगी आपको पहन करके ज़रूर दिखाऊँगी next video में. And the next one is this one, इसका bill नीचे गिर गया. So this is this shirt, if you can see it's very beautiful guys, it's very beautiful, it's a very beautiful like you know light green color, teal kind of, and I'm in love with this color. Summers ke liye to these colors are amazing. So yeah, now moving on to the next product that I received. It's actually again a purse, I think. Mujhe I can make out with the packaging, and this is also one of the friend who was there in the birthday party, usi ki taraf se hai. So I will be actually unwrapping it and I think we are done with the khula hua gift. एक और कपड़ा बचता है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बट बाकी आप जितनी चीज़ें हैं दीज आर ऑल पैक्ड स्टफ, सो आई विल बी अनबॉक्सिंग इट राइट बिफोर यू एंड विल बी शोइंग यू कि क्या है. सो या लेट्स ओपन इट एंड आई एम सॉरी गाइज, मैं थोड़ा टाइम दे करके बहुत प्यार से प्रोडक्ट्स को खोलती हूँ बिकॉज यू नो जब कोई आपको गिफ्ट देता है ना तो वो बहुत ही इमोशंस के साथ में देता है, तो आई वॉन्ट टू ओपन इट लाइक आराम से एंड अच्छे से एंड शो यू कि क्या है इसके अंदर. तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है. ओके, कैन यू सी ये पर्स है बहुत ही प्यारा सा एंड आई थिंक देयर इज़ अ मैसेज फ्रॉम हर, उसने एक मैसेज लिख के दिया है बहुत ही प्रिटी, इसमें पेस्ट करके एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्स लाइक वेरी नाइस एंड वेरी यू नो क्लासी एंड आई लव इट. आई मीन सी द क्वालिटी ऑफ इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्स एंड इट्स अ ब्रांड फ्रॉम DK फैशन. सो या दिस इज़ द पर्स दैट आई हैव रिसीव्ड एंड देयर इज़ अ मैसेज. सो सबसे पहले लेट मी रीड द मैसेज. तो या मैंने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया ताकि आपको गिफ्ट अच्छे से दिखा पाऊँ. तो या जो ये पर्स का मैंने अनबॉक्सिंग किया इसके साथ में आपने देखा एक मैसेज था, तो मैं अभी आपको ये मैसेज पढ़ के बताऊँगी कि क्या है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, आई फेल्ट सो टच्ड विद द मैसेज. इट्स लाइक इट सेज एंड आई विल बी टेलिंग यू ये किसके तरफ से है बिकॉज या आई डू वॉन्ट टू यू नो वुड डू वॉन्ट टू लेट यू नो कि किसने ये एफर्ट लगाया है बिकॉज शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो राइटर. शी इज़ राइटिंग, शी हैज़ हर फेसबुक पेज एंड उसके फेसबुक पेज में वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वार्ट्स एंड बहुत ही अच्छे अच्छे यू नो शायरी एंड देन स्टोरीज एंड देन बहुत मतलब वॉट नॉट शी राइट्स एवरीथिंग. शी इज़ अ गर्ल फुल ऑफ, शी इज़ अ पैकेज ऑफ यू नो क्वालिटी एंड क्वान्टिटी. सो आई विल बी डेफिनेटली रिकमेंडिंग यू हर लिंक एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ बाय माई वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी स्वीट फ्रेंड दीपिका आनंद. यू कैन सर्च फॉर हर ऑन फेसबुक, आई विल बी लिंकिंग डाउन हर प्रोफाइल डाउन देयर. उसका पेज मैं नीचे लिंक कर दूँगी, आप लोग देख सकते
सकते हो कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स वहाँ पे लिखती है. तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर एंड दिस इज अ लेटर फ्रॉम हर. इट सेज हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट करिज्मेटिक लेजी लेसी. हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट करिज्मेटिक लेसी आई एवर केम अक्रॉस. थैंक यू. आई जस्ट लव द वेज इन विच यू आर ओह सो बोल्ड एंड ब्यूटिफुल विथ लव द पिका. सो दिस इज द लेटर एंड आई विल बी शोइंग दिस. मैं इसकी जो पिक्चर है ना ये यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे एक फ्लैश होती रहेगी जब मैं ये लेटर पढ़ूंगी. एंड दिस इज ब्यूटिफुल. थैंक यू दीपिका फॉर दिस. आई एम इन लव विद दिस लेटर. बिकॉज इसका नाम मुझे इसलिए भी बताना पड़ा बिकॉज यू नो ये लेटर मुझे सबको दिखाना था. इट वॉज वर्थ शेयरिंग. सो दिस पर्स एंड दिस लेटर वॉज फ्रॉम हर साइड एंड थैंक यू एंड आई एम इन लव विद दिस. आई लव यू. सो या डन सॉर्टेड दिस वन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो या नाउ वी विल बी टेक्निकली आई विल बी शोइंग यू टेक्निकली ऑल दोज प्रोडक्ट्स जिसकी कि मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी है मैं कह सेट पहले भी. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. इट इज़ फ्रॉम अ स्टूडेंट. अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी विद द स्टूडेंट. सेम थिंग यू नो आई यूज टू टीच दिस चाइल्ड इन प्रीवियस ईयर्स एंड आई नेवर टॉट दैट चाइल्ड. मुझे मतलब मुझे पता भी नहीं उस बच्चे ने कैसे मेरा एड्रेस पता किया एंड कैसे क्या किया. एंड दिस चाइल्ड यू नो gave me this gift. He was able to manage to send me this via her father and you know it was very very beautiful and sweet presents and maine abhi tak nahi dekha isme kya. So let's see what's there inside this box. So it's a this kind of product box and it has okay it has Radha Krishna in it. Can you see it's beautiful. I got this beautiful Radha and Krishna. पता नहीं मेरा कृष्णा किधर है. सो या इट्स अ ब्यूटिफुल कृष्णा एंड आई एम इन लव विद दिस. थैंक यू बेटा. आई लव यू फॉर दिस गिफ्ट. मतलब क्या ही बताऊँ. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट. इट रियली आई रियली लव इट. थैंक यू यार. आई मीन ना जितने भी गिफ्ट्स देख लो ना मतलब गिफ्ट्स में अगर यू नो आपको कुछ भगवान का मिलता है तो उसका एक अलग ही वैल्यू होता है. इसीलिए मैंने आई मेड श्योर कि मैं अपने यहाँ पे चीज़ें रखने से पहले ना मैंने मेड श्योर कि आई क्लीन इट एंड सैनिटाइज इट प्रॉपरली सो दैट यू नो बहुत सी गिफ्ट्स में भगवान की चीज़ें भी निकलती हैं. आई डिड नॉट वॉन्ट टू यू नो बी रूड विद दैट स्टफ. सो या दैट्स फॉर द अनदर प्रोडक्ट सॉरी अनदर गिफ्ट. आई डिड द अनबॉक्सिंग एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टफ विच इज आई थिंक और दो बचे हैं दो या तीन. So it's this one. Okay, I which one to go with? I think I'll go with this one. There's another one more gift. This that I have received and iska bhi maine thoda sa khol ke dekha tha. So yeah. But मैं फिर भी इसका इतना सा अनबॉक्सिंग छोड़ दी थी ताकि मैं आप लोगों के सामने में देख सकूँ. यार कोरोना नहीं होता ना मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो विद मतलब प्रोडक्ट्स की मतलब गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करती. बट अब क्या करेगा यार इट्स फाइन यार जो होना होता है तो होना ही होता है ना. ठीक है. So this is the next product, next gift and मैं अभी आप लोगों के सामने में ये खोलती हूँ. ओके इट्स अ गणपति बप्पा. आ जाओ जल्दी से. ये मुझे बहुत ही एलिगेंट लगे. ये जो वुडन जैसा है ना ये पूरा लाइक 3D आर्ट टाइप का इनका लाइक वुडन काम किया हुआ है एंड मुझे बहुत ही पर्सनली प्यारा लगा. एक्चुअली आई वेंट फॉर अ चाय ब्रेक राइट नाउ तो आई विल नॉट बी टचिंग इट फ्रॉम इनसाइड बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल इफ यू कैन सी. So I'm in love with this another one. I've got two very beautiful and colorful. One is Radha Krishna and Ganpati. And then two stuff like जिसमे एक कृष्णा जी हैं वो तो बहुत ही प्यारा बट उसका वो टूट गया नीचे वाला. And another one Laughing Buddha. Laughing Buddha you are going to see somewhere soon very soon पीछे में कहीं पर. But उसमें वो pen holder है but मैं उसको मेरा brush holder बनाऊँगी. Yeah. Anyways, now moving on to the next one because video लंबी नहीं करनी है. आप लोग गाली दोगे और आधे अधूरे में देख के भाग जाओगे. सो आई थिंक सब हो गए हैं दो और बचे हैं. या तो दिस इज़ द वन. इसका मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है. इसका ये अपने आप ही एक्चुअली टंगा वो में खुल गया है बट मैंने इसको नहीं खोला है. नाउ इसके साथ में मुझे जो मिला था दूसरा चीज़ वो है ये चॉकलेट. ये कोरोना चॉकलेट है. ये मैंने खाया था और उसके बाद मैं कोविड टेस्ट कराने गई थी तो मैंने इसको अभी तक खाया नहीं. आज इसको सैनिटाइज़ किया है तो अब मैं बहुत सून आई विल बी ईटिंग दिस. वैसे भी 15-20 दिन हो गए हैं सबको टच किया. सो एक्सक्यूज़ मी. सो या अभी मैं इसको ओपनिंग करती हूँ. This is also from one of my very pretty friend, बहुत sweet friend है और सालों के बाद she was there in my birthday. तो दी आपका gift भी अनबॉक्स हो रहा है. तो राइट नाउ मैं भी इसको पहली बार देखूंगी क्या है एंड लाइक सी वॉट इज देयर इन इट. सो कहाँ से खुलता है ये बॉस.
I think it opens like this, yes. If I'm not wrong. So this opens like this, and I think it is a, okay, it's a very beautiful photo frame. चलो आईफोन लेने का बहुत मन था, एप्पल का फोन नहीं, लेकिन आई हैव दिस एप्पल फोटो फ्रेम, इट्स रियली क्यूट एंड दी, इसमें मैं आपके साथ की फोटो डालूंगी. इट्स वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, थैंक यू दी. एंड ये आई थिंक हाँ वॉल होल्डर भी है इसमें. हाँ, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम एंड आई विल बी प्लेसिंग इट समवेयर इन द बैकग्राउंड और मे बी इन माई रूम. और या दैट्स इट फॉर दिस वन एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. आई लाइक पर्पल कलर. मैंने शर्ट भी पहना है पर्पल, यार मैचिंग है गाइस. चलो मैचिंग है ना गिफ्ट ये एकदम मेरे से. इसी के नाम पे लाइक करो वीडियो, अभी नीचे देखो लाइक हो रहा है ना, लाइक का बटन अभी नीचे लाइक करो. चलो जल्दी से लाइक करो, प्लीज करो लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी करो नहीं किया तो. सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पर्पल कलर गिफ्ट. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट वाला, मूविंग ऑन टू द लास्ट वाला गिफ्ट. It is a very beautiful cloth. It's again from Reliance. दो लोगों ने मुझे Reliance के कपड़े दिए हैं and I just have 2 minutes for this. Like it's so beautiful. मुझे तो इतना पसंद आया ना ये, I can't wait to wear this. मतलब it's इतना pretty. Thank you दी इसके लिए. And इनका भी मैं नाम लूँगी कि इसने दिया है. ये मुझे पूजा दी ने दिया है. There were two पूजा दी, तो इसलिए दी दी बोल रही, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना. मैं नाम बता देती हूँ गिफ्ट होल्डर्स के. यहाँ पे रूबी दी थी, पूजा दी थी, वैन दीपिका वॉज देयर, दीपिका की सिस्टर थी, कुकी आई थी, दैट इज़ रूबी दीज डॉटर, अंजलि, देन नमिता मैम एंड और कोई मिस हो रहा है, खुशबू अभी प्रिया उनके तरफ से केक था मेरे लिए एंड और कोई बच रहा है क्या? और तो कोई नहीं बचना चाहिए आई थिंक. और तो कोई नहीं बच गया, नहीं और तो नहीं कोई बचा. या दिस इज़ ऑल. वर्षा, वर्षा की तरफ से पर्स था. वर्षा या आई एम सो सॉरी. और अगर कोई रह गया था सॉरी. सो दिस इज अनदर पूजा दी एंड ये उनके तरफ से है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. मैं इसको आपको भी पूरा नहीं दिखाऊंगी, ये खोल के मैं आपको किसी वीडियो में पूरा पहन के दिखाऊंगी. और ये जैसे ही मेरे हाथ लगा था ना, मेरे दिमाग में आया गाउन है ये, मतलब गाउन क्या ड्रेस टाइप का वन पीस है ये. मैंने इसको जब भी मेरे हाथ लगा ना, मैंने सोचा कि मैं एक फैशन वीडियो, मतलब अलीशा सूज ब्लॉग्स रिव्यूज एंड फैशन लिखा हुआ है ना चैनल पे, तो फैशन मेरा चैनल फैशन बेस्ड भी है. बहुत जल्दी मैं वेट कर रही हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए लाइक जो फैट गर्ल्स हैं स्पेशली मेरी तरह हैवी प्लस साइज गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक लाइक यू नो पूरा पैकेज ऑफ वीडियो लेकर के आऊँ, जहाँ पे एक ऐसे वन पीस ड्रेस के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक हेयर स्टाइल, शूज एंड डिफरेंट पोजेस. तो मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं इस ड्रेस के साथ करूँगी. एंड नेक्स्ट जो मैम दूसरा ड्रेस है जो कि मैम के साइड से है, सो आई विल बी यू नो एक्सचेंजिंग दैट. एंड बाकी तो स्टूडेंट एंड दो आई थिंक वन सब्सक्राइबर की तरफ से है, सो इन सब चीज़ों का आई विल गेट इट फिक्स्ड टू ये शर्ट वाला. एंड देन आई विल बी डूइंग वीडियो वेरी सून गाइज. उसके लिए मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए. आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो, उनको टैग करो इंस्टाग्राम पे. मैं गिव अवे करने वाली हूँ 1000 सब्सक्राइबर को. आई थिंक हम 1 या 1.5 महीने दूर हैं, और अगर आप लोग चाह लो तो आई थिंक 10 दिन भी दूर नहीं है. तो ऑल यू नीड टू डू इज शेयर माई प्रोफाइल एज मच एज पॉसिबल. एंड जहाँ भी आप लोग शेयर कर रहे हो, जिन भी लोगों से करवा रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उन लोगों को बोलो कि वीडियो में नीचे आके कमेंट करे #AlishaSood. एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे #AlishaSood या फिर #Alisha आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल. नीचे में लिंक है, मेरे चैनल को आप टैग करो. फिर मैं गिव अवे करने वाली हूँ. मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और अच्छा बड़ा गिव अवे लाने वाली हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स विद मी जो मैं आप लोगों को गिव अवे करना चाहती हूँ. उसके लिए आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा. दे विल बी टॉप 5 विनर्स. 5 विनर्स के घर पे बकायदा एड्रेस उनका आपसे मैं इंस्टाग्राम पे या मेल के थ्रू लूंगी, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए होगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करो. टॉप 5 पीपल जो होंगे, जो सारे शेयर करते हैं लेकिन एक पूरा यू नो एक पूरा लाइक मैं यू नो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला करूँगी एंड उसमें आई विल बी पिकिंग, लेकिन मेरी नज़र हर चीज़ पे रहेगी. सो यू हैव टू फर्स्ट डू दिस थिंग #AlishaSood. YouTube पे हर जगह जहाँ भी आप कमेंट करते हो, कहीं पे भी कमेंट करते हो आई डोंट केयर, बट #AlishaSood होना चाहिए. Instagram पे भी #AlishaSood होना चाहिए. आई विल बी चेकिंग ऑन एवरीथिंग Instagram पे भी, YouTube पे भी. एंड दैट गिव अवे इज गोइंग टू बी लाइक 1 से 1.5 महीने के अंदर में होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड वन. सो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट, लाइक इट, कमेंट ओवर देयर. हर चीज़ पे नज़र है मेरी एंड कीप इन टच, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है. और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो अभी तक. सो थैंक यू, लव यू ऑल एंड स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु केप्ट अ गुड होल्ड ऑन माई हेल्थ, हु केप्ट ऑन चेकिंग कि मैं कैसी हूँ. सो लव यू, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू एंड या दैट इज इट, बाय.